आप देख रहे हैं नुमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। ये झाड़ू वाला पौधा है और इसके पौधे से झाड़ू बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस झाड़ू वाले पौधे की शिनाख्त कराऊंगा कि आप इसकी शिनाख्त करें और पहचान करें, ताकि आपको पता चले कि झाड़ू वाला जो पौधा है इसके पत्थर कैसे होते हैं और ये किस तरह के होते हैं। तो ये इसके पत्ते हैं और ये जो झाड़ू वाला दोस्तों पौधा है, ये घास की एक किस्म है। तो आप इसे लंबा घास भी बोल सकते हैं। और ये इसके पत्ते हैं, ये देखें कि इसके पत्तों के सेंटर में वाइट कलर की लकीर है। और हम इसको अपनी ज़बान में सर बोलते हैं। ये सर को काट के जानवरों को खिलाया जाता है और इसको जानवर बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा ये आग जलाने के काम आते हैं। ये जो झाड़ू वाले पौधे हैं, ये आग जलाने के भी काम आते हैं। तो ये इसका झाड़ू है। ये देखें कि ये लंबा झाड़ू, हम इसको अपनी ज़बान में लंबा झाड़ू बोलते हैं। ये इस तरह का इसके सिरे के ऊपर बूर होता है और यही इस पौधे का बीज भी कहलाता है। तो ये देखें कि तकरीबन इसकी 5 फुट इस झाड़ू की जो ये जो झाड़ू होता है, ये तकरीबन 5 फुट का होता है, 5 साढ़े 5 फुट इसकी हाइट होती है। और ये बहुत नरम किस्म का इसका ये जो तीला है, ये देखेंगे टूट गया। और इसके अंदर एक सुराख होता है, तो ये इसके अंदर एक सुराख है। ये देखें कि वैसे दोस्तों इस झाड़ू वाले पौधे की जो हाइट है वो तकरीबन 15 फुट तक है। और इसको फिर ये जो झाड़ू वाले जो झाड़ू होते हैं, जो झाड़ू वाले तीले होते हैं, वो इसके अंदर से निकाले जाते हैं। तो इस पौधे के ये जो तीले हैं, ये वाले ये इसके अंदर से ऊपर से छिलके उतार के दोस्तों, ये छिलके उतार के तो इसमें से ये तीले निकाले जाते हैं और फिर इसकी बोखरे बनाई जाती हैं। हम झाड़ू को अपनी ज़बान में बोखर बोलते हैं। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के निशान को भी दबाएँ, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।